आइए ये सुनाएगा, जरा जोरदार तालियां एक बार बजाइए पार्थ नवीन जो प्रतापगढ़ से हमारे बीच। माँ सरस्वती को प्रणाम करता, आप सभी को प्रणाम करता। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन शुरू हो चुका है आदरणीय संजय झाला जी के संचालन में। मैं विशेष रूप से भाई जग्गू डबकरा जी और मांडलिया जी, दीपक मांडलिया जी, इनको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक मुलाकात में उन्होंने इतनी सारी व्यवस्थाएं कर दी। मैं चाहता हूँ एक बार जरा क्रांतिवीर ग्रुप के लिए एक बार जोरदार ताली आप बजा दीजिए। मैं हंसने हंसाने के लिए आपके बीच में बुलाया गया हूँ, क्योंकि रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदार ही होते हैं। तो आनंद लीजिए। मैं चार पंक्ति से कवि पाठ की शुरुआत करना चाहता हूँ। पहली बार गरोठ आया हूँ, लेकिन गरोठ के कवि सम्मेलन के बारे में इतना सुनाया, आपके बारे में बहुत सुना है कि आप कविताएं बहुत अच्छे से सुनते हैं। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ और आनंद देना चाहता हूँ आपको, और खुद भी आनंद देना चाहता हूँ। स्वागत है। तो सुन होगी बरसात, उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। इस रात ख्यालात सुन होगी बरसात, उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। हृदय की लय पर होकर अभय यहाँ जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा। जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा। कलियों से डालिया, कविता से तालिया, जीजा जी से सालिया मिलाता चला जाऊंगा। कलियों से डालिया, कविता से तालिया, जीजा जी से सालिया मिलाता चला जाऊंगा। ऐसा सुनोगे तो ऐसा, वैसा सुनोगे तो वैसा, जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता। जब तक ताली नहीं बजाओगे तब तक तो यही गाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। सर आप भी बजाओ, आपको क्या लग रहा है मजाक कर रहा हूँ? मैं रात भर गाऊंगा। चिंता ता चिता, आप पेल समेट लो, आप तो ऐसे बैठे जैसे आप अकबर में अनारकली। पांच राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन चर्चा में केवल एक राज्य था। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आपके बीच में गाने की कोशिश करता हूं और आपका उत्साह देखना चाहता हूं। दो पैरोडियां पढ़ता हूं उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में। भाई जिताने को बहना चली थी, भाई जिताने को बहना चली थी, भाई तो भोला और बहना भली थी। योगी योगी, अरे योगी योगी है उत्तर प्रदेश में। हाँ योगी योगी, आप क्या भाजपा वाले नहीं हो? हालांकि भाजपा, हाँ खींचो खींचो, टोपी लगा के कौन खींचता है? भीलवाड़ा से तो नहीं है, मथुरा से? ठीक है फिर, जय बाके बिहारी लाल की। तुमक चलत राम चंद्र बाजत भेज लिया, बहुत बढ़िया। जितने मर्जी आए फोटो खींचो, कोई दिक्कत नहीं, अखबार में मत छापना। नहीं अखबार में छापेंगे, अखबार जाएगा हलवाई के पास, हलवाई उसमें रखेगा जलेबी, जलेबी रख के दे देगा बच्चे को, बच्चा तो जलेबी खा के फेंक देगा अखबार। और मेरे मुंह पे लग रही चाशनी, और मुझे पसंद नहीं कोई कुत्ता मेरा मुंह चाटे। तालियां कम बजा रहे हो आप लोग? अच्छा छाप भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब से कोरोना पॉजिटिव शब्द आया, मैंने इसमें से कोरोना को हटा करके पॉजिटिव शब्द को अपने जीवन में धारण किया कि आदमी को पॉजिटिव रहना चाहिए। छाप भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं आया राजस्थान से, राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में, पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का मंदिर। वहाँ अंग्रेज बहुत आते हैं, वहाँ पशु मेला भी लगता है। उस पशु मेले में मैं गया था कवि सम्मेलन में, तो कवि सम्मेलन हुआ, अगले दिन मेरा फोटो छपा, फोटो छप के गया हलवाई के पास। हलवाई ने उसने जलेबी रखी, जलेबी रख के उसने बच्चे को नहीं दी। दो 18-18 साल की गोरी गोरी अंग्रेज उनको दे दी। अब तो विदेशी है वो, उनको हिंदुस्तान के खान पान के बारे में थोड़ी पता। उन्होंने जलेबी खा ली, अब उनको यह पता नहीं चाशनी का क्या करना है। आप तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे फोटो आपका था। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता। योगी जी से पूछा पत्रकारों ने, पत्रकारों ने पूछा योगी जी से कि आप वापिस मुख्यमंत्री बन रहे हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको?
योगी जी ने गाना गाया, वो गाना आप तक पहुंचाता हूं। योगी जी ने क्या कहा, ये ईवीएम का बटन दबा के ये जनता मुझे बोली, ईवीएम का बटन दबा के ये जनता मुझे बोली, योगी हमने भर दी तेरी झोली, मेरे सर आंखों पे जनता के जना देश की रोली, देखे गठबंधन वालों की टोली, माँ बेटे हैं खफा और बसपा भी सफा, माँ बेटे हैं खफा और बसपा भी सफा, पंजाब में सिद्धू उदास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, चिंता ता चिता चिता चिंता ता। ये आपको रात भर समझ में नहीं आया, मुझे ही नहीं आया आज तक समझ में। ये सेटिंग है, सेटिंग समझते हो आप लोग, वो नहीं मैं बता रहा हूं। सेटिंग क्या होती है, एक बार एक शादी समारोह चल रहा, दो पंडित बैठे हुए, पहले पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू करे, ओम गणपति घूमता नम यदाम है शांति रे दी शांति श्यामा, ओम घी चोरो घी चोरो घी चोरो स्वाहा। दूसरा पंडित बोला ओम काय में चोरू काय में चोरू काय में चोरू स्वाहा। पहला पंडित बोला उत्तम मासी पूर्णमासी करवा में चोर ले करवा में चोर ले करवा में चोर ले स्वाहा। दूसरा पंडित बोला ओम भोवा स्वाहा चोर लियो चोर लियो चोर लियो। आधा किलो घी चुराकर दुल्हन के पैरों के पास में रख दिया ओट में छुपा कर। अब इस दृश्य को एक प्राकृतिक पत्रकार नयन नावण माता उसने देख लिया, तो उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला, करवा में घी चोरे वे लाड़ी पड़ियो थारी ओटा हो रात। पहला पंडित बोला ये कौन बोली, बोले ये नायो की कल्याणी का की। सेटिंग शुरू, ओम गणपति घूमता नम यदाम हे शांति रे दी शांति श्यामा, हे कल्याणी नारक रक्षा बसे मतनी, आदो धारो आदो मारो ओम नमः स्वाहा। क्या बात है, वाह, आनंद आप पूरा लेते हैं, तालियां बहुत कम बजाते हैं, जरा आनंद आए तो तालियां बजा करके बताए। आप लोग नहीं सुन रहे हैं क्या, ऐसा लगता है बिल्कुल अलग से। कोई बात नहीं, आनंद दीजिए, बहुत बढ़िया। ये नहीं, तुम तो लंबे ही कर लो, तुम जिस अवस्था में हो ऐसा लग रहा है तुमको सो जाना चाहिए। बहुत अच्छा, क्या बात, आओ यहाँ जोड़े से आते हैं क्या घरोट में लड़के, नहीं बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। देखिए कोरोना काल निकला, दो विभागों ने बहुत सेवा दी, एक डॉक्टरों ने और एक पुलिस ने, दोनों की वजह से हम जिंदा हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि दोनों विभाग पुलिस और डॉक्टर चिकित्सा विभाग और पुलिस विभाग के लिए एक बार ताली बजा के आपको उनका सम्मान करना चाहिए। दोनों विभाग और दोनों ने टीके लगाए, डॉक्टर ने भी लगाए पुलिस ने भी लगाए। डॉक्टर ये करते थे कि डॉक्टर पूछ लेते थे, बोले कल कहां लगाया था, पुलिस वाले नहीं वो तो जहां दिखे नहीं के, तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं। मतलब ये हालत हो गई देश में। 22 मार्च 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन, घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन हिंदुस्तानी आदमी को जो काम मना करो वो पहले करता, घर से बाहर निकलने की मना करी, लेकिन वो गए बेसन लेने गए, सूजी लेके आए, तब क्या हुआ उनके साथ में पड़ता। सरकार ने चौराहे पर मशीन लगा दी, सरकार ने चौराहे पर मशीन लगा दी, उसने तो फर्स्ट डोज ही दो तीन लगा दी, एक आदमी कर्फ्यू में घूमने चला गया, पुलिस ने घुमा घुमा के वैक्सीन लगा दी, पुलिस ने घुमा घुमा के वैक्सीन लगा दी। विश्व के एकमात्र प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनसे कोरोना ने बात की। अच्छा, हाँ, और जवाब भी वही दे सकते, और कौन देगा। तो एक बात कही कोरोना ने, एक बात कही, उसका जवाब दिया मोदी जी ने। एक पैरोडी सुनाता हूँ, पहले कोरोना ने कहा
मैं तो चाइना से आ रहा था, मैं तो चाइना से आ रहा था, फैलता ही जा रहा था, चाइना से आ रहा था, फैलता ही जा रहा था, सबको डरा रहा था, मेरी वैक्सीन बनी अब मैं क्या करूं, मेरी वैक्सीन बनी अब मैं क्या करूं। अब जवाब सुनना मोदी जी का, कि तू तो दुनिया में जा रहा था। अगली पंक्ति समझदार लोगों के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है, समझ जाओ तो मुझे पता पड़ जाएगा कि भाजपा वाले कहां बैठे और कांग्रेस वाले कहां बैठे हैं। ये वो पंक्ति है लेकिन मैंने आनंद के लिए लिखी है, कि तू तो दुनिया में जा रहा था और मुझसे अधिक जा रहा था। क्या बात, दुनिया में जा रहा था, मुझसे अधिक जा रहा था, लाइमलाइट पा रहा था, तुझे वैक्सीन ना दूं तो और क्या करूं, तुझे वैक्सीन ना दूं तो और क्या करूं, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। ये लड़के बैठे हैं यहाँ पर कुंवर, इनके लिए गुरु मंत्र लाए जग्गू भाई, दीपक भाई कांगे, और वो कांगे हमारे वो सुरेंद्र जी अग्रवाल जी, हाँ सब यही बैठे हैं, जाएंगे भी कहाँ, सब यही बैठे हैं, क्रांतिवीर दल पूरा यहाँ बैठा है, बस यही बैठा रहना, अपन वहां तक भी पहुंचेंगे। शहीद चौक पे खड़े हैं तो देश की बात करके जाऊंगा, सारी बात करूंगा, हंसते हंसाते हुए आपको कहाँ ले जाऊंगा ये आपको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं मुझे, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, इसमें मेरे बड़े भाई अशोक चारण जी वीरस के बड़े कवि इस मंच पर हैं, ये तो आपको मैं दिख रहा हूँ, इसका पॉलिश उनका उन्होंने की हुई है, उनका बड़ा सहयोग है मुझे निखारने में, मैं चाहता हूँ एक बार उनके सम्मान में भी ताली बजे। और दो दिन से मैं लगातार संजय झाला जी के सानिध्य में हूँ, और जो सत्संग मुझे मिला है मैं उनका आभार करता हूँ, और जगदीश सोलंकी जी की उपस्थिति इस मंच पर है, जैसे आप बैठ करके सुन रहे हैं वैसे मैंने उनको बैठ करके नीचे सुना है, एक बार जगदीश सोलंकी जी के लिए ताली बजा दीजिए। मैं जानता हूँ आप, मैं उनकी भूमिका में खड़ा हूँ, आप उन्हें सुनने के लिए बैठे हैं, मैं बस भूमिका में हूँ, अचार हूँ थाली का, लेकिन थोड़ा सा आनंद देने के लिए आपके बीच में हूँ। ये जो लड़के बैठे हुए हैं इनके लिए गुरु मंत्र देता हूँ, क्योंकि प्यार का मामला बहुत खराब हो गया इस देश में, प्यार की हालत इतनी खराब हो गई है। वो लड़का लड़की पार्क में बैठे हुए थे तो लड़के ने लड़की से बोल दिया, बोले मैं तेरी जुल्फों के साथ खेलना चाहता हूँ, तो लड़की ने बीग उतार के दे दी, तो खेल रात भर खेल, सुबह जमा करा देना, 200 रुपए किराया अलग, तब मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये लड़के क्या बात है? एक आपको मंत्र दे के जाना चाहता हूँ, मैंने जीवन में उतारा इस मंच को, इस मंत्र को उतारा है और इसको सिद्ध करके आप तक पहुंचा रहा हूं। क्या करना है कि सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया, खाई बना के पास में कुआ बना दिया, इससे पहल की वो मुझे मामा जी बनाती, मैंने उसे मोहल्ले की भुआ बना दिया, मैंने उसे ये गरोठे, मैं भले ही आया पहली बार हूं लेकिन सुना बहुत है कि गरोठ में जाओ तो कदम फूंक के रखना चाहिए, ये गरोठ है। और कदम फूंक के रखना क्या होता है मैं आपको बताता हूं, मेरे और गोविंद राठी जी के कॉमन फ्रेंड हैं एक बनवारी लाल जी, जी तो बनवारी लाल जी ने ट्रेन के 2 टिकट लिए गरोठ से सुहासरा के, मैंने कहा बनवारी लाल जी दूसरा कौन, बोले कोई नहीं, मैंने कहा टिकट दो क्यों, बोले ये गुम हो गया तो ये काम आएगा और ये गुम हो गया तो ये काम आएगा। मैंने कहा बनवारी लाल जी अगर दोनों गुम हो गए तो, बोले अपने पास में ये पास रखा हुआ है ना, अब अगर बनवारी लाल जी के कदम फूंक कर रखने का तरीका आप तक पहुंच जाए तो दोनों हाथ खड़े करके ताली बजा के मुझे बता देना कि इस माइक पे मुझे और कितनी देर खड़ा रहना। मैंने कहा बनवारी लाल जी अगर पास भी गुम हो गया तो, बोले जा कौन रहा तो ये आनंद की बात है सर, मैं नेताओं की कोई बात नहीं करूंगा, यहाँ के नेता बहुत अच्छे हैं, नहीं जो कवि सम्मेलन करा रहे हैं, कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, वो सारे नेता अच्छे होते हैं, क्योंकि आईने के सामने बैठने की हिम्मत उन्हीं की होती है जिनके दामन में कोई दाग नहीं होता है। तो मैं क्या बात, इससे ज्यादा मैं आपकी चापलूसी नहीं कर पाऊंगा। वाह, नेताओं का मामला बड़ा कमाल का, आपके तो बहुत बढ़िया है, इतने बढ़िया, हमारे इधर आओ,
राजस्थान में, वो हमारे यहाँ के नेताजी गए 10 साल पहले लंदन घूमने के लिए, तो एक नेता की कोठी देखी, उसकी कोठी देखी बड़ी आलीशान, बोले कैसे बनाई, बोले चलो छत पे सामने नदी देख रहे हो, बोले हाँ, उसके ऊपर पुल देख रहे हो, बोले हाँ, उसके 10% से हमारे वाले को आइडिया मिल गया। वो भी 10 साल बाद वो घूमने के लिए आए तो उनकी कोठी देखी और आलीशान, बोले कैसे बनाई, बोले चलो छत पे सामने नदी देख रहे हो, बोले हाँ, उसके ऊपर पुल देख रहे हो, बोले कहाँ है पुल, बोले उसके 100% से बनाया। इतने कमाल के लेता है कि वारे नेता प्यारे, वारे नेता प्यारे, गाड़ी है बंगले है वारे न्यारे, वारे नेता प्यारे, पब्लिक के पैसों पे नजरे डारे, हमें सब ये पता है कि पैसा कहाँ, कुर्सी के नीचे दबा के रखा है, उठा दबा के हंगामा हो, कुर्सी के नीचे दबा के रखा है, उठा तो हंगामा हो। अच्छा, देखो हिंदुस्तान है आज, ये मेरे को यहाँ के नेताओं से नहीं, मैं यहाँ के नेताओं की बात नहीं करूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा पेमेंट हो जाने दो भैया। इकोमर्स मेरा एक दोस्त है सलीम, वो आते ही माइक पे इको हटवाता है, मैंने कहा तेरे को समस्या क्या इको से, बोले कुछ नहीं यार, इको में हर आवाज 3 बार आती है, हेलो हेलो हेलो, गलती से अगर मुंह से तलाक निकल गया बहुत अच्छे, तो ये समस्या हो जाती है देखिए। और बुजुर्ग कहा, आप बिल्कुल बुजुर्ग, कोई टेंशन मत, मैं बैठा हूँ आपके साथ में, जीवन जियो बिल्कुल आनंद के साथ में, 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या करना है खाली आनंद लेना है आपको। मैं बुजुर्गों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जिस उम्र में वो आ गए हैं निराश मत हो, मैं आपको एक नाम पहुंचाना चाहता हूँ, जीवन जियो तो उसके जैसा जियो, वरना क्या जिया। बुजुर्गों तक पहुंचाना चाहता हूँ, आदरणीय हमारे रमेश जी को समर्पित करना चाहता हूँ। स्वागत है, रमेश जी की उम्र क्या 72 है, कोई नहीं, वैसे उम्र तो आसाराम जी की भी 72 ही है, उम्र से क्या हो रहा है। बिल्कुल नहीं, आपने याद दिलाया है तो मैं पढ़ देता हूँ, स्वागत है, 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ, लेकिन मैं पहले बुजुर्गों के लिए पढ़ना चाहता हूँ आपके सम्मान में। निराश मत हो, जीवन जियो तो ऐसा जियो कि बेनूर लम्हा देख लो बानूर हो गया, बेनूर लम्हा देख लो बानूर हो गया, कुछ तो हमारे दरमियां जरूर हो गया, मैं दूर था तभी तलक चरित्रवान था, तेरे पास बैठ कर शशि थरूर हो गया, तेरे पास बैठ कर शशि थरूर हो गया। मैं पढ़ता हूँ, अभी आपने मायावी संत का नाम लिया, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आनंद लो। बुजुर्गों से सतर्क भी रहना चाहिए कि अभावों में जीवन को कैसे बढ़ाया जाता है, आर्य पुत्र सूत्र ये कलाम जी से सीखिए, अभावों में जीवन को कैसे बढ़ाया जाता है, आर्य पुत्र सूत्र ये कलाम जी से सीखिए, पतिव्रत सीता माँ से भाईचारा लखन से शील मर्यादा श्री राम जी से सीखिए, प्रेम का हो क्षेत्र या हो कुरुक्षेत्र का मैदान, प्रेम का हो क्षेत्र या हो कुरुक्षेत्र का मैदान, नीति गिरधारी घन श्याम जी से सीखिए, और बुढ़ापे में कामदेव की उपासना का तप जोधपुर जाके आसाराम जी से सीखिए। उनका मामला भी कमाल था साहब, लेकिन मैं नेताओं की कोई बात नहीं करूंगा, आजकल के नेता कुर्सी को किस निगाह से देखते हैं, कुर्सी के नीचे क्या है वो तो मैंने बता दिया, अब वो क्यों देखते हैं इसको इस निगाह से, वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ, वो नजरिया पहुंचाता हूँ, वो लोग वहां से सुन रहे निवेदन, अगर आके बैठेंगे तो अच्छा लगेगा, आपकी भी तालियां मिले। मैं नेताओं का नजरिया बताता हूँ कुर्सी को देखने का, कि सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली एक ख्याल देख रहा हो, सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली ये ख्याल देख रहा हो, चुनाव में वोटर को नेता ऐसे देखता है जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो, जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो, बड़े नेता जी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे, बड़े नेता जी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे रुपया डॉलर का उछाल देख रहा हो, और हर एक नेता कुर्सी को ऐसे देखता है बबीता को जैसे जेठालाल।
मुझे पता लगाना आता है हिंदुस्तानी आदमी को। हिंदुस्तानी आदमी कहीं भी हो, ब्याह बारात में जाता है ना, एक ही बार जाता है बारात में, लेकिन पता लगा लेता है। क्या पता लगाता है? वो आप तक पहुंचाता है कि ओ हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जरा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। क्या बात है। ओ हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जरा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। हर महीने बदल लेता हूँ मकान पर मेहमान, फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं मेहमान, फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं मेहमान, फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं। मेले में दुकानें तो हजारों लगती है पर मेले में दुकानें तो हजारों लगती है पर लोग यहाँ काम का सामान ढूंढ लेते हैं। और भैरू जी के मंदिर का पता पूछ कर लोग यहाँ पर दारू की दुकान ढूंढ लेते हैं। तब आपके लिए तब हाँ बढ़िया, नहीं ताली बजाया करो अगर आनंद आए तो ताली। देखिए कवि सम्मेलन दोनों तरफ से चलेगा। हमारे स्वर्गीय कवि कुंवर बेचैन जी ने कहा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, और चलने को तो एक पैर पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। एक पैर बनकर मैं चल रहा हूँ, दूसरा पैर आप बने, और ये हमारा पैर ना तोड़े माइक वाला। नहीं नहीं बढ़िया, नहीं साउंड बहुत अच्छा है, साउंड बहुत बढ़िया है, वो काम करने वाला मामला है। नहीं वो क्या है ना, पार्टी अच्छी है लेकिन वो पार्टी का अध्यक्ष जो है ना, वो आटे को लीटर में बेचे तो मैं क्या करूं, वो वाली बात है। कर लो आराम से कर लो, कोई दिक्कत। मैं तो कल भी सुना दूंगा, माइक आज ठीक हो जाए। मैं चलने दूं पर आप तक आवाज पहुंचनी चाहिए ना, कि आ रही आवाज बहुत बढ़िया। अरे थैंक यू। देखो ये टू टू की आवाज दिक्कत देती है, और कोई बात नहीं है, हूमिंग कर। लेकिन ये क्या क्या होता है ऐसा, कई बार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं ऊंट पे बैठ के जाऊं तो कुत्ता काट लेता, तो उसका कुछ कर नहीं सकते हम लोग, समस्या बड़ी हो जाती है और ये बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही है। सर आप बहुत आनंद लेकर सुन रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और आज ही हो जाएगा। ये जब से नेताओं की बात करी तब से दिक्कत देने लगा। नहीं बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे हो जाएगा। तुम मैं सुनाता हूँ, पैरोडी लिखनी क्यों पड़ती है? आदरणीय संजय झाला जी ने मुझे इस मंच का अलेक्जेंडर पोप कहा है। क्यों जरूरत पड़ती है पैरोडी लिखने की? ये फिल्मी गाने हैं, इनकी धुनों पर मैं अपने शब्द बिठा करके आप तक पहुंचाता हूं, लेकिन लिखना क्यों पड़ता है? मैं एक पैरोडी आपको सुनाना चाहता हूं कि मुंबई की मायावी नगरी से किस तरीके के गाने आ रहे हैं, कैसे गाने आ रहे हैं जो हमारी संस्कृति को पैरों तले रोनते हुए निकल रहे हैं, कैसे गाने आ गए, लिखना क्यों पड़ता है पैरोडी तक आपके बीच में सुनाना चाहता हूं। जो लोग सुनने की मानसिकता में वो लोग ताली बजा करके बता दीजिए, बहुत कम है। वाह, क्या आया मुंबई की मायावी नगरी से, हमारे संस्कार कहां जाने। एक पैरोडी के माध्यम से गाने बताता हूं कैसे आ गए, कैसे हुआ करते थे गाने और कैसे हो गए। मेरा रंग दे बसंती चोला से चले हम लोग, मटरू की बिजली का मंडोला तक आ गए। ये गाने हमारे देश के, तब मैं एक पैरोडी सुनाना चाहूं। ना फिल्म में ना सुकून मिलता है, टीवी चलाने में चैन मिलता है तो बस ओढ़ कर सो जाने में। क्या गाने आ गए, ढूंढ बराबर ढूंढ खराबी, ढूंढ बराबर ढूंढ ढूंढ बा चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। ये आपको रिदम में लाने के लिए था, आप तालियां साथ बजाइएगा। ढूंढ बराबर ढूंढ खराबी, ढूंढ बराबर ढूंढ
ढूंढ बराबर ढूंढ थारा भी ढूंढ बराबर ढूंढ कि टिंकू जिया पे शालू का ठुमका टिंकू जिया पे शालू का ठुमका झुमका बरेली का गुम 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 ढूंढ बराबर ढूंढ खरा भी ढूंढ बराबर ढूंढ। प्रभाव देखिए क्या प्रभाव पड़ा हमारे मातृशक्ति पर। इन लड़कियों के सिरों से गायब हुई चुन्नी है और एक लाइन में बदनाम हुई मुन्नी है। बच्चों के बात ये समझना अभी आई है पूछ रहे पापा कौन ये जलेबी बाई है। वाह ऐसे गानों से क्या हुए हम कभी पानी है और उस पे भी भारी शिला की जवानी है। अब क्या करोगे मल के हथेली अब क्या करोगे मल के हथेली चिकनी चमेली की धूम 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 बराबर ढूंढ खराबी ढूंढ बराबर ढूंढ दगाबाज रे हाय दगाबाज रे हमरे नेता बड़े दगाबाज रे। कल मिले री हमका भूल गए आज रे दगाबाज हाय दगाबाज। मैं एक दो पैरोडी आपको विशेष रूप से सुनाता। देखिए हमारे देश में एक पार्टी है जिसमें जबरदस्ती अध्यक्ष बनाया जाता है। उनकी इच्छा अध्यक्ष बनने की है ही नहीं। उनकी इच्छा क्या है और इस देश की जनता का जवाब क्या है वो एक पैरोडी के माध्यम तक मैं आपको पहुंचाता हूँ। उनकी इच्छा क्या है कि मुझे अध्यक्ष पद पर तुम जरा कबूल कर लो मुझे अध्यक्ष पद पर तुम जरा कबूल कर लो मुझको फिर खड़ा करने की सारे भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है मेरा दिल बेचैन है पीएम पद के लिए मेरा दिल बेचैन है पीएम पद के लिए। अब जवाब क्या है इस देश की जनता का वो सुनिए। इससे आगे की अब दास्ता मुझसे सुन सुन के तेरी नजर डब डबा जाएगी। बात अब तक जो दिल में थी तेरे छुपी मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू नतीजा चुनावों की हारों का है नतीजा चुनावों की हारों का है तू नतीजा चुनावों की हारों का है। सब तेरा नाम सुनकर चले जाएंगे एक एहसान कर एहसान कर एक एहसान कर गांधी परिवार पर एक एहसान कर। छोड़ दे ख्वाब ये उम्र भर के लिए मैं एक पैरोडी आपको विशेष रूप से सुनाना चाहता हूँ। आदरणीय जगदीश सोलंकी जी की उपस्थिति है इस मंच पर, रमेश शर्मा जी की उपस्थिति है, अशोक चारण जी की उपस्थिति है, संजय झाला जी की उपस्थिति है। इन्होंने हमें बताया बेटा हंसी मजाक बहुत करो मंच से लेकिन संदेश भी दो, इस देश की जनता का दर्द भी गाओ। जो ये नहीं कह पाते हैं वो तुम कह के बताओ ताकि इनकी बात अगर तुम अपने मुंह से गा करके इन तक पहुंचाओगे तो इनके हृदय में वो उछाल आएगा जो आपको ताली बजाकर आप तक वो उत्साह पहुंचाएंगे। मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं आपका दर्द और अगर सही सही पढ़ दूं तो फिर आपकी तालियां चाहता हूं। एक पैरोडी आपके विशेष रूप से पढ़ना चाहता हूं। क्या बात, स्वागत। कोशिश करके देख ले ममता मफलर और हजारे कीमत नहीं कम होगी दिख जाएंगे दिन में तारे। वाह 100 रुपये के 1 लीटर को सलाम 100 रुपये के 1 लीटर
जड़ को सलाम, पेट्रोल तेरी बढ़ती उम्र को सलाम, सलाम पेट्रोल तेरी बढ़ती। पेट्रोल की बात की और चाय आ गई। अरे 110 हो गया, मैंने तो 109 में भरवाया, मेरी मर्जी में 100 का बोलूं। देखो क्या है कि ऐसे बीच में नहीं बोलना चाहिए, वो भी रात को इस समय, गलत बात है। ये वो लोग बोलते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में बैलेंस डलाते हैं पर वो बात किसी और से करती है, तो ऐसा छेड़ने का काम नहीं करना बेटा। एक बंद पहुंचाता हूं कि दुनिया को सबसे पहले जिसने डीजल दिया, वाह, दुनिया के सबसे पहले डीलर को सलाम, पैरों से चलने वाली साइकिल का शुक्रिया, पैरों से चलने वाली साइकिल का शुक्रिया, अनफॉर्चुनेट हुई फॉर्चुनर को सलाम, पेट्रोल तेरी बढ़ती उम्र को सलाम। बहुत बढ़िया, आपने इतनी गंगोर तालियों से आपका खुद का दर्द सुना है, मैं आभारी हूँ आपका। मुझे पता है कि मेरी रख के जाना चाहेगा नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, अर्जुन त्वया चापि मया चापि, तो चाय पीनी चाहिए। और मैं चाय वाले को कुछ नहीं कहूंगा, कौन सा चाय वाला कब प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा नहीं, और चाय वाले को कुछ कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप चाय वाले को कुछ कहते हो तो या तो उसके घर पे ईडी आती है, नहीं तो फिर उसकी सीडी आती है। आनंद लीजिए, मैं एक दो पैरोडी विशेष रूप से, आप एक ही पैरोडी सुनाने का मन है वो सुना देता हूँ। आदरणीय जगदीश सोलंकी जी और अशोक चारण जी बी रस के कवि हैं, मैं उनको समर्पित करता हूँ। मेरी विधा नहीं है लेकिन पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये सबके मन की बात। इस देश में, इस देश की राजधानी में खड़े होकर के लोग अफजल जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे इस देश की राजधानी की यूनिवर्सिटी में। एक बात कहना चाहता हूं, पता नहीं आप लोग उदयपुर तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन मैं पढ़ना जरूर चाहता हूं, स्वागत है, और मंच से करता हूं करूंगा, क्योंकि हमें एक होने की बहुत जरूरत है इस देश में। मैं आया हूं, मैं अभी संजय जाधव जी आए भोपाल से लेकर के यहां तक, बहुत सारी गायें दिखी है मैं रास्ते में। इस देश में पहले कन्हैया की गायों को काटा जाता था, लेकिन अब कन्हैया लाल को भी काट दिया गया है। तब आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, एक होने की जरूरत है, और क्यों होने की जरूरत है, उन तक बात पहुंचे, आपकी तालियां पहुंचे। एक पैरोडी विशेष रूप से पढ़ता हूं, जो लोग अफजल जिंदाबाद के नारे लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, कहा पवार राजस्थानी जी ने कि चाहे जितने धर्म बदल दो, चाहे जितने धर्म बदल दो पर ईमान नहीं बदलेगा, बदलेंगे मौसम के तेवर पर दिनमान नहीं बदलेगा, बदलेगा हर कफन लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा, और हम बदले या तुम बदलो ये हिंदुस्तान नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तब आपके बीच में पढ़ता हूँ, एक पैरोडी पढ़ता हूँ विशेष, वाह। उन लोगों को, उन लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जान, क्रांतिवीर दल आपको समर्पित करता हूँ, कि उन लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी, अफजल जिंदाबाद का नारा लगता है शैतानी, भारत माँ की जय बोलो और कर दो खत्म कहानी, जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी, जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी, देंगे जवाब तुमको एक करारा, वाह, देश हमारा है नहीं तुम्हारा, कश्मीर चाहिए और आजादी भी, जिन्ना के जैसी बर्बादी भी, तो भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी। अगली पंक्ति पर अगर इस गरोट के मन की बात कहूं, जिन लोग बैठे हैं यहाँ पर, कहीं हिंदुस्तान धड़कता हो दिल में तो फिर आपकी तालियां चाहता हूं कि भारत, भैया चाय रोक दो, दो मिनट के लिए रोक दो, दो मिनट आप ही का कर। अगली पंक्ति पर अगर आपका मन करे ताली बजाने का तो फिर सबके हाथ हवा में, स्वागत है, स्वागत। भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी,
भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। तो वंदे मातरम जनगण मन की चले लहर तूफानी, हिंदुस्तान वही रहेगा जो है हिंदुस्तानी, जिसका तन भी हिंदुस्तानी, जिसका मन भी हिंदुस्तानी। बहुत